बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद बकाश। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए, तो इसको लाजम सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, यह आपसे रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सैयद सलीम हुसैन शाह साहब का वीडियो क्लिप सुनेंगे, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के MPA के उम्मीदवार हैं। 230 से इनका ताल्लुक है और ये भी ऐसा समझ लें कि मुतहर्रिक है। एक ये साहब हो गए, एक ब्रेस्ट उस्मान की इधर मांगड़ साहब हो गए और एक डॉक्टर शेख रशीद साहब हो गए। वो यानी ये जो तीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस वक्त के जो कैंडिडेट हैं, जो टॉप पर जा रहे हैं कंपेन के लिहाज से, कंपेन के हवाले से, उनकी यहाँ पर कंपेन आप देख। दूसरा यार, आप अपने जहन एक जहन बना लीजिए, जहन। ये वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं कि आपको मालूम भी है कि आपका कैंडिडेट खुदा न खस्ता हार भी रहा है, उसकी कोई पोजीशन नहीं है, वो मुकाबले में नहीं है, वो मुकाबला नहीं कर रहा, तो आप वोट डालें अपने ही कैंडिडेट को, अपनी ही पार्टी को। क्यों? आप ये जहन में रखकर वोट डालिए कि जब आपका वोट कास्ट हो गया, जब गिनती होगी आपके वोट की, आपका चाहे कैंडिडेट हार क्यों ना जाए, जब ओवरऑल पाकिस्तान में गिनती होगी कि फलां पार्टी ने इतनी लाख इतनी करोड़ वोट हासिल किए हैं, TLP ने इतनी लाख इतनी करोड़ वोट हासिल किए हैं, तो उस वोट जो आपके हलके के अंदर आप उसको अहमियत नहीं दे रहे, ना समझ रहे कि हमारा जहर कैंडिडेट हारे हमारे वोट की कोई नहीं, आपके वोट की अहमियत है। जब पूरे पाकिस्तान के वोट काउंट होंगे, गिनती होंगे, तो उस वक्त आपका वोट भी शुमार होगा और उन 25 लाख में, 30 लाख में, 50 लाख में, 1.5 करोड़ वोट में आपका वोट भी शामिल होगा और आपको भी फख्र होगा कि यार ये जो TLP ने 50 लाख वोट हासिल किए हैं, इसमें 1 लाख वोट अपना, 1 वोट मेरा भी है। ये चीजों की दूसरा आप मुकाबला करें यार। हार जाना बिक जाने से बेहतर है, हार जाना बिक जाने से बेहतर है। आप मैदान में उतरे, आप बिके तो नहीं ना, आपको खरीदने की कोशिश की गई, आप बिके नहीं, आप झुके नहीं, आपने मुकाबला किया, आपने फाइट की, आप हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हार जीत ये हिस्सा होती है। हो सकता है कि नेक्स्ट आप इससे ज्यादा स्ट्रगल करके आगे आ जाए। ये वो यार चीजें हैं जो आपको फतह की जानब लेकर जा सकती हैं और फतह दिलवा सकती हैं। आप इनके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह जरूर जो है वो कामयाबी मिलेगी और कामयाबी जो है वो आपके बिल्कुल करीब है। और इस तरह सैयद सलीम हुसैन शाह साहब को मेरा भी सलाम है कि वो इतनी सर्दी में जहां पर भी मैं उनको देखता हूँ वो कंपेन कर रहे हैं, तो कामयाबी भी आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि किसी की भी जो मेहनत है वो कभी रहेगा नहीं जाती। तो आइए नाज़रीन, आपको सैयद सलीम हुसैन शाह साहब का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं। न बल्ले की, न तीरों की, न शेरों की जरूरत है, न बल्ले की, न तीरों की, न शेरों की जरूरत है, इस हलका को मोहम्मद के गुलामों की जरूरत है। सबसे पहले थे 300 तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस पर जोश तरीके इस्तकबाल किया और जिस तरह आराम बैठी है, दस दिता है कि हजूर का दीन आ गया। साड़ा मकसद, साड़ी जमात का मकसद इस मुल्क निजाम मुस्तफा का किया गया। खुदा की कसम, अगर तुम अपनी दुनिया और आखिरत को ठीक करना चाहते हो तो तहरीक लबैक का साथ दो। तहरीक लबैक वह जमात है जी इस मुल्क हजूर का कानून चाहती है। 75 साल हो गए आपू रगड़ीदिया टुकीदिया मरीदिया, लेकिन अज इस मुल्क अंग्रेज का कानून है। अब हुक्मरान इस मुल्क मुसलत ने जेडे मेरे नबी की शान ने जो काफिया करते हैं उन्होंने जफिया पाके मिलते हैं। दसो मिलते ने या नहीं मिलते, तो फिर अपना वोट कि साइड से है। खुदारा तहरीक लबैक का साथ दो और तहरीक लबैक वाले हर मैदान दसते ने कि जमात वो जमात है जिन्हें 53 शहीद दरबार ने भी दसिया कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे और अहरार कभी करके हिमायत न करेंगे। और बाकी मैं अपने जिम्मेदारान अपने कारकुनान भी कहना चाहना और सलाम पेश करना
कि तुसी इन धमकिया के बावजूद भी खड़े हो। असी बड़े ही पुरमंद साड़ी जमात है, खुदा की कसम बड़ी पुरमंद जमात है, लेकिन जो साडे कारकुन धमकी दोगे फिर इस असल जितने भी वडेरे ने ना जस चौधरी ने यह तारीख नहीं जानते तहरीक लबैक की। इन्हों पढ़ना चाहिए कि तहरीक लबैक किस शह का नाम है। तहरीक लबैक वाले जो कहते ने कि सितम कर हुनर आजमाए तू की राजमा हम चिके राजमाए। लेकिन फिर भी असि अमन का दस देंगे, असि इंतजार नहीं फैलावे, असि यह कहोंगे कि तुम अपनी सियासी कंपेन करो, तुम भी अपने जलसे करो, लेकिन साढ़े कारकुन को तंग ना करो। अगर तुम साढ़े कारकुन को तंग करोगे तो साड़ा कारकुन सानू काल करे, खुदा की कसम गवर्नमेंट को पहले रखो सलीम सर। तो ये था वो वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए, जिसमें सैयद सलीम हुसैन शाह साहब जो हैं वो कंपेन के हवाले से उन्होंने अपना जो एक पैगाम था वो कौम के साथ भी शेयर किया और लोगों को भी बताया कि यार आप जिस तरह से पहले लोगों को वोट देते थे अब आप हमें भी वोट देकर संभाल लें, जो काम वो नहीं कर सके या वो कर चुके हैं उनसे आपको क्या मफाद पहुँचा है वो भी आप मद्देनजर रखिए और हमें भी आजमाइए। उनका मिशन और हमारे मिशन में काफ़ी जो है ना वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये खूबसूरत बात की उन्होंने और इंशाल्लाह टीएलपी जो है वो जिस तरह से उनके कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं जदोजहद के लिए मैं सैयद सलीम हुसैन शाह साहब से कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरव्यू लूँ। एक तो यार मैं खुद भी इंटरव्यू जो है वो थोड़ा डिले कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि थोड़ा ये जो काम है ये नज़दीक यानी जो इलेक्शन है ये थोड़े नज़दीक आ जाए, यानी एक हफ्ता जो है यानी जो लास्ट वीक चल रहा हो जब तो उस वक्त जो है वो इनके इंटरव्यूज़ लिए जाए और उनको प्ले किया जाए। तो ये मेरा अपनी तरफ से एक मंसूबा है और इस तरह से आपने देखा कि शाह फरमान अली साहब जो थे उन्होंने भी मुलाकात की, मुफ्ती फरमान अली शाह मरवा साहब से, शेख मरवा साहब से, के पी के जो ऐसे समझ लें कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े लहर हैं और उनकी कमेटी का भी हिस्सा है, इमरान खान के क्या उन्होंने भी पैगाम पहुँचाया या आपस में बनू के अंदर ये एक बात जहन में रखी, जो सियासी लोग होते हैं ये गप शप लगाते हैं ये मिलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के हल्के के हैं, ये पठान है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है पंजाबियों की तरह कि आपस में गले, नहीं इनके सियासत अलग चीज़ है और आपस में इनकी मोहब्बत खलूस वो अलग चीज़ है और ये आपस में मिले हैं और वहाँ पर काफ़ी जो ये काम भी कर रहे हैं। तो ये नाजरीन चीज़ें हो रही हैं और इस तरह से मामला जो आगे बढ़ रहे हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान की स्ट्रगल कर रही वो आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि टीएलपी जो है वो कामयाब होगी और कामयाबी जो है ना वो उनके लाजमी जो है ना वो कदम चूमेगी। ये तमाम स्ट्रगल इस वक्त हो रही है चल रही है और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं
वो लाजमी यकीनन इसमें कामयाब भी होंगे। ये तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।